नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान को जीत मिली। 11 रनों से टीम ने मुकाबला जीता और इस जीत के साथ ही टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त भी हासिल कर ली है। पर पाकिस्तान की जीत से शोएब अख्तर खुश नहीं है। शोएब अख्तर ने कहा है कि पाकिस्तान टीम इस मैच को जीतना ही नहीं चाह रही थी, हारने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा हुआ नहीं और पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। दरअसल जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मैच में पाकिस्तान ने खराब बल्लेबाजी की। एक मोहम्मद रिजवान को छोड़ बाकी बल्लेबाजों ने धोखा ही दिया, कोई भी नहीं चला। मोहम्मद रिजवान ने 61 गेंदों का सामना करते हुए 82 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 10 चौके और एक छक्का भी लगाया। मोहम्मद रिजवान अंत तक विकेट को थामे रहे और पाकिस्तान के स्कोर को 149 रनों तक पहुंचाया, जो कि मुश्किल विकेट पर सम्मानजनक स्कोर था। बाद में उस्मान कादिर और मोहम्मद हसनैन ने बढ़िया गेंदबाजी की और पाकिस्तान को जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की। शानदार फॉर्म में चल रहे मोहम्मद रिजवान को प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा भी गया। खैर, शोएब अख्तर ने इस मैच को लेकर कई सारी बातें कही है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने आज बहुत खराब खेला। मुख्य वजह यह था कि विकेट अच्छा था ही नहीं। आजकल T20 में एक ट्रेंड है कि टॉस जीतो और पहले फील्डिंग करो, पर पाकिस्तान इस मैच में वॉकओवर नहीं दे सकता था। यहाँ पर पाकिस्तान के बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए था। सिंगल डबल पर ज़्यादा भरोसा करते तो ज़्यादा बेहतर होता और अच्छा खासा स्कोर बन सकता था। पर जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान से बेहतर खेल दिखाया और वो मैच जीत भी सकते थे, पर कुछ गलतियाँ की और पाकिस्तान को आखिरकार जीत मिली। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।